हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी दी वंडरफुल क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट कॉस्ट मेथड को अप्लाई करके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगी। लेकिन अगर मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई किया जाता है। लिस्ट कॉस्ट मेथड सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है। थ्री मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अगर आपने इसे नहीं देखा तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। और लिस्ट कॉस्ट मेथड सेकंड मेथड है, एंड देन थर्ड इज वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके, तो लिस्ट कॉस्ट मेथड जिसके थ्रू IBFS, मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को भी अप्लाई करके IBFS मींस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया, और इसको भी अप्लाई करके मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगी। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त मैं वर्किंग रूल को भी पढ़ूंगी और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगी, ताकि आपको वर्किंग रूल भी समझ में आ जाए और ये प्रॉब्लम भी लिस्ट कॉस्ट मेथड से आपसे बन जाए। ओके, तो चला जाए, सॉल्व किया जाए। आप रेडी हो? आर यू रेडी? ओके, तो वर्किंग रूल स्टेप फर्स्ट, स्टेप थ्री स्टेप्स है वर्किंग रूल में। स्टेप फर्स्ट पढ़ते हैं, सेलेक्ट द सेल हैविंग पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज CIJ। CIJ पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। IJ कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी, एनीथिंग। एज मिनिमम एंड अलोकेट एज मच एज पॉसिबल, दैट इज मीन SIDJ। SI कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, DJ कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्फिनिटी तक, कुछ भी। दो, सेलेक्ट वैसे सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो आप देख रहे हो 7, 3, 8, 4, 10, 8 जो सेल के अंदर है, ये पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। मीन्स S1 से सप्लाई सेंटर, S1 से D1 डेस्टिनेशन तक जाने का कॉस्ट पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7 है। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा सेल में पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है। ओके, तो मुझे तो 3 और मींस S1 D2 में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम लग रहा है भी, और S3 D1 सेल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है। ये तो टाई हो गया। ओके, टाई हो गया, तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो वर्किंग रूल के स्टेप 2 के सी में आप पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कि इफ मीन यूनिट कॉस्ट सेल, मीन जो मिनिमम कॉस्ट सेल है पर यूनिट कॉस्ट सेल, इज नॉट यूनिट, अगर यूनिट नहीं है, यूनिक नहीं है मीन्स अगर 2, 3 सेम आ रहे हैं, देन सेलेक्ट सेल, उस सेल को आप सेलेक्ट कीजिए वेयर मैक्सिमम एलोकेशन कैन बी पॉसिबल, जहां मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल हो। तो आप, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ, तो क्योंकि इस सेल को मैं सेलेक्ट करती हूँ, तो मुझे डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम को एलोकेट करना होगा। ओके, तो मैं किसको एलोकेट करूंगी? डिमांड स्मॉल है, सप्लाई बिगर है, तो मैं डिमांड को एलोकेट करूंगी, तो ये 200 आएगा। ओके, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ, तो मेरा इस सेल के रिस्पेक्टिव कॉलम के जो डिमांड है और इसके रिस्पेक्टिव रो के जो सप्लाई है, उसमें मैं देखूंगी कि डिमांड और सप्लाई में कौन मिनिमम है। तो मेरा तो डिमांड मिनिमम दिख रहा है और सप्लाई बिगर है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो मैं डिमांड को एलोकेट करूंगी। तो आप बताइए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ हुआ है, किस सेल में? इस सेल में मैक्सिमम एलोकेशन हुआ है 200 का, इस सेल में बस 100 का एलोकेशन हुआ है, तो मैं किस सेल को सिलेक्ट करूंगी? इस सेल को। ओके, क्लियर है? मीन्स अगर सेल में 2, 3, 4 ऐसे एलिमेंट आ जाए, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाए जो सेम है, तो आप उस सेल को चूज कीजिएगा जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल हो। तो मैंने बताया यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन 200 का पॉसिबल था, यहाँ पे 100 का, तो मैक्सिमम 200 होगा, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। आप भी इसी सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिस्ट कॉस्ट मेथड से इजिली बन जाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा अगर इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, तो मैं इसे सिलेक्ट कर ली। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट दिस मीन वैल्यू, इस वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम सप्लाई SI एंड डिमांड DJ। SI कुछ भी हो सकता है, DJ कुछ भी हो सकता है। तो इस सेल के रिस्पेक्टिव रो के सप्लाई और इस सेल के रिस्पेक्टिव
कॉलम के डिमांड से मुझे क्या करना है, इस मिनिमम एलोकेशन को से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 200 को मैं डिमांड से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 0, सप्लाई से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे आएगा 50। ओके, तो क्या है, इफ सप्लाई 0, अगर सप्लाई 0 है देन क्रॉस द रो, रो को क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए, सप्लाई तो मेरा 0 नहीं आया है। एंड इफ डिमांड इज 0, अगर डिमांड 0 है देन क्रॉस द कॉलम, डिमांड मेरा 0 आया है तो मुझे क्या करना होगा, कॉलम को क्रॉस करना होगा। ओके, सप्लाई 0 नहीं है इसलिए मैंने रो को स्ट्राइक नहीं किया है, रो को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन मेरा डिमांड 0 है इसलिए मैंने कॉलम को स्ट्राइक किया है। ओके, क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर होगा। मैं स्टेप 2 मैंने कर दिया, स्टेप 2 समझ में आ गया, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है। स्टेप 3 क्या है कि रिपीट दिस स्टेप फॉर रिमेनिंग रोज एंड कॉलम यूनिट ऑल सप्लाई एंड वैल्यूज आर 0। इस स्टेप को तब तक करते रहना है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में भी मैंने बताया कि उस स्टेप को भी तब तक करते रहना था जब तक डिमांड और आपका सप्लाई 0 ना आ जाए। और इस लिस्ट कॉस्ट मेथड में भी वही चीज करना है जब तक डिमांड और सप्लाई आपका 0 ना आ जाए। ये आपका कॉलम फिनिश। अब आपके पास बचा D1, D3, D4। इसमें मेरे को देखना है कि अब पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका मिनिमम है, तो S3 D1 का, तो मैं अब इसमें एलोकेशन करूंगी। ओके, तो इस रो के, इस सेल के रिस्पेक्टिव रो और कॉलम के डिमांड के सप्लाई और डिमांड में मैं देखूंगी कि कौन सा मिनिमम है। तो मेरे को मिनिमम डिमांड ही दिख रहा है तो मैं डिमांड को एलोकेट करूंगी। ओके, तो मैंने एलोकेट कर दिया। अब क्या है, एलोकेट करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस मिनिमम वैल्यू को सप्लाई और डिमांड से, सप्लाई और डिमांड से सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने डिमांड से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, सप्लाई से सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो मेरे को 100 आ रहा है। ओके, डिमांड 0 है तो क्या करना है, क्रॉस द कॉलम, कॉलम को क्रॉस कर देना है। ओके, मींस D1 D2 फिनिश, बचा D3 D4। अब मेरे को इसमें देखना है कि पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका मिनिमम है। 8445, अब देखिए ये 44 दोनों टाई हो गया, फिर से यूनिक नहीं आया, अब पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर से यूनिक नहीं है तो मेरे को देखना है वैसे सेल जहां पे मैक्सिमम एलोकेशन हो सके। तो 4 और 4 जो कि मिनिमम है, ओके, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन अब इसमें देखना है कि मैक्सिमम एलोकेशन किस सेल में होगा, जिस सेल में मैक्सिमम एलोकेशन होगा उसी सेल को मेरे को सिलेक्ट करना है। तो इस सेल के रिस्पेक्टिव सप्लाई, रिस्पेक्टिव रो के सप्लाई और रिस्पेक्टिव कॉलम के डिमांड में मैं देखूंगी कि मिनिमम कौन है, तो मिनिमम सप्लाई है 50 आएगा यहाँ पे। ओके, और इस सेल के रिस्पेक्टिव रो के सप्लाई और रिस्पेक्टिव कॉलम के डिमांड को मैं देखूंगी तो मेरे को क्योंकि ये दोनों टाई हो गया, ये दोनों टाई है तो यहाँ पे 150 आएगा। ओके, तो मैक्सिमम एलोकेशन किस सेल में हुआ है, इस सेल में, S2 D3 में मैक्सिमम एलोकेशन हुआ है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। ओके, इसको क्रॉस कर दी और इस सेल को मैं सिलेक्ट कर ली, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, इस सेल को मैं सिलेक्ट कर ली तो इस सेल को सिलेक्ट, जो मिनिमम एलोकेशन हुआ है उसको सप्लाई से और डिमांड से सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ गया। अगर दोनों 0 है, मीन सप्लाई 0 है डिमांड 0 है तो रो को भी स्ट्राइक कर देना है और कॉलम को भी स्ट्राइक कर देना है। अब मेरे पास बचा S1 D3 S1 D4 S3 D4। ओके, तो अब मेरे को देखना है कि पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका मिनिमम है। तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट D4 मींस S1 D4 का मिनिमम है, इसमें अब मेरे को एलोकेशन करना है। इस सेल के रिस्पेक्टिव सप्लाई मींस रिस्पेक्टिव रो के सप्लाई और रिस्पेक्टिव कॉलम के डिमांड को मैं देखूंगी कि कौन सा मिनिमम है, उसको मैं एलोकेट करूंगी। जो मिनिमम होगा तो मिनिमम सप्लाई है, मैं सप्लाई को एलोकेट की 50। अब मैं जिसे एलोकेट की उसको सप्लाई और डिमांड से मेरे को माइनस करना है, अब मैं उसे माइनस कर दे रही हूं तो मेरे को आया सप्लाई 0, सप्लाई 0 आ गया, मींस मेरे को रिस्पेक्टिव रो को क्या कर देना है, क्रॉस स्ट्राइक।
क्लियर है यहाँ तक आपको? अब मेरे पास बचा ये बेचारा छोटा सा सेल। अब इसमें ऑपरेशन करनी है तब तक जब तक सप्लाई और डिमांड जीरो नहीं आ जाए। तो ये देखेंगे इस सेल के रिस्पेक्टिव रो और रिस्पेक्टिव कॉलम में के सप्लाई और डिमांड में कि कौन सा मिनिमम है। दोनों सेम है तो मैं इसमें 100 को एलोकेट कर दी। अब मैंने एलोकेट जिसे किया उससे मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट सप्लाई और डिमांड को, डिमांड से सब्ट्रैक्ट की तो मेरे को जीरो आया, सप्लाई से जीरो। आप देख सकते हो ना पूरा जीरो हो गया। जब तक सप्लाई जीरो ना हो जाए, जब तक डिमांड जीरो ना हो जाए, ये देख रहे हो जीरो जीरो, जब तक डिमांड और जब तक सप्लाई जीरो ना हो जाए तब तक ये ऑपरेशन करते रहना है। और लास्टली मैंने सप्लाई और डिमांड को जीरो ला दिया। अब मेरे को टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगा, 3 into 200, ओके, 4 into 150, ओके, 3 into 100, ओके, प्लस 5 into 100। ये जो 200 आप देख रहे हैं, 200, 150, ये सब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। और ये जो 3, 8, 4 ये क्या है, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और इसको आप कैलकुलेट करके टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट कर लोगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट कॉस्ट मेथड अच्छी तरीके से। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें प्लीज अपने डाउट को लिखिए। और अगर वीडियो जैसा आपको लगेगा अच्छा या खराब प्लीज उसमें जरूर लिख दीजिएगा। दैट विल गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू।